तो अमेरिका ने बुधवार देर शाम महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए, जो अप्रैल में 8.3% रहे। वैसे तो ये अगस्त 2021 के बाद महंगाई का सबसे निचला स्तर है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के लगाए गए अनुमानों से काफी ज्यादा ही है। महंगाई का स्तर ऊपर देखकर निवेशकों में यह आशंका भर गई है कि आगे भी फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। इसी डर से निवेशक अपना पैसा बाजार से निकालकर सोने में लगा रहे हैं, क्योंकि पीली धातु को निवेश के लिए लिहाज से हेवन एसेट माना जाता है। इससे पहले फेडरल रिजर्व बैंक ने मई की शुरुआत में ही अपनी ब्याज दरों में 0.50% बढ़ा दी थी, साथ ही भविष्य में और बढ़ोतरी करने के संकेत भी दिए थे। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी अमेरिका के 22 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो यानी कि निवेशकों में अभी भी एक डर है सोने को गोल्ड को लेकर और महंगाई को लेकर, इसलिए जो निवेशक हैं वो अपना पैसा बाजार से हटाकर अब गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन एसेट के तौर पर देखा जाता है। और जब जब कोई आपदा आती है या फिर कोई वॉर जंग की स्थिति होती है या फिर महामारी जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तब तब सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ जाती है। अभी हाल फिलहाल में वायदा बाजार में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं फ्यूचर्स में भी और स्पॉट दोनों ही जगह वो थोड़े वॉलेटाइल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो बयान निकल के सामने आ रही है और जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से तो अभी यही लग रहा है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो अभी ऐसे ही उठापटक वाले रहने वाले हैं। लेकिन निवेशकों को उम्मीद है कि गोल्ड में आगे तेजी बनती नजर आ सकती है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।